ध्यान दीजिए, आज हम लोग बायोलॉजी के फ्लावर फ्लावर को फूल या पुष्प भी कहते हैं। प्योर हिंदी शब्द जो हुआ पुष्प ही हुआ, पुष्प। फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फूल का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रजनन के माध्यम से फल की उत्पत्ति करना। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं उदाहरण के लिए आम का पेड़। आम के पेड़ में सबसे पहले क्या होता है? मोजर यानी फूल होता है। फूल के बाद धीरे धीरे उसमें टिकोरा, टिकोरा समझते हैं ना, तो टिकोरा से धीरे धीरे फल। ठीक है, तो फूल का मुख्य कार्य है प्रजनन के माध्यम से फल में वृद्धि। पुष्प के चार चक्र होते हैं, पुष्प के चार चक्र होते हैं, याद रखेंगे। नंबर एक कैलिक्स। कैलिक्स मीन्स बाह्य दल पुंज, जो फोटो के आधार पर समझेंगे। सेकंड कोरोला। कोरोला मीन्स दल पुंज। एंडोनेशियम उमंग, गाइनेशियम जयांग। अब इसमें जो है फीमेल पार्ट और मेल पार्ट कौन है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो समझ लीजिए, बहुत ट्रिक से जो है इसको हम याद करेंगे। पू मंग, पू से पुरुष, अजयांग, गाइनोशियम, गाइनोशियम तो देखिए पुरुष, पुरुष ठीक है, और गाइनोशियम मीन्स होता है जयांग। जयांग से स्त्री रोग विशेषज्ञ, जो डॉक्टर लेडीज या जेंट्स होती है उनको कहा जाता है गायकनोलॉजिस्ट। यहाँ गाइनेशियम यानी कुछ मिलता जुलता शब्द है, ठीक है। स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को बोलते हैं गायकनोलॉजिस्ट, यानी जो केवल स्त्री के ही इलाज कर सकता, तो उसको गाइनेशियम। यानी यह हमारा स्त्री वाला भाग हो गया, मेल फीमेल समझ गए। अब देखते हैं फोटो पे, ये सबसे पहले जो जो डंटल होता है, डंटल डांट जिसको पकड़ के फूल देते हैं, विष करते हैं, तो ये डंटल को बोलते हैं ब्रिंथ, पिशोल, पिशोल यानी ब्रिंथ, क्लियर। उसके बाद आया थैलेमस। थैलेमस को हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन मतलब पुष्प जिसपे विराजमान रहता है, जिसपे बैठे रहता है, उसको बोलते हैं थैलेमस यानी पुष्पासन। ठीक है, इतना चीज समझ गए। अब प्रश्न आता है एग्जाम में कि थैलेमस, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थैलेमस, थैलेमस का क्या कार्य? तो पुष्प जो है उसी के ऊपर विराजमान रहते हैं, यानी पूरा फूल जो है इसी के ऊपर, देखिए ना ये टिका हुआ है ना, ये पूरा जो है इसी के ऊपर टिका हुआ है, ये गोल कलर का आप देखे भी होंगे, अड़हुल के फूल, बहुत सारे फूल में जो नीचे गोल टाइप के दे रहता है उसको बोलते हैं थैलेमस, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे है कैलिक्स यानी बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी, तो बाहरी दलपुंज ये है, ये क्या करता है सभी जो है कलियां को ढक कर पहले रखता है, ढक कर रखता है, ये बाह्य दलपुंज जो है चारों ओर से पहले ढक कर रखता है। ठीक है, ये पत्ती ही होता है, बाद में जो है ये धीरे धीरे सूख करके गिर जाता है, फूल में देखे होंगे गुलाब के फूल, तो इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज या कैलिक्स, समझ में आ गया। उसके बाद ये हुआ दलपुंज, जो पत्तियां होती है जो तोड़ तोड़ के जुबुल लेते हैं, इसको बोलते हैं दलपुंज, जो पत्तियां होती है बहुत सारे पत्तियों मिला के एक फूल बनता है, तो ये जो इनकी जो कली एक प्रकार से पंखुड़ी समझिए, पंखुड़ी, पंखुड़ियां, पंखुड़ियां, फिल्म में डायलॉग नहीं सुने होंगे कि होठ गुलाब के पंखुड़ियों की जैसे होठ, इसे पंखुड़ी, इतना मायूस का है भाई यार तुम, बट कहाँ ख्याल में खोए हुए नहीं तो थोड़ा समझो, पंखुड़ियां, पंखुड़ी समझ है, पंखुड़ी, इसको पीटल्स बोलते हैं, पीटल्स, ठीक है, पीटल्स बोलते हैं। ये दलपुंज कोरोला, ये समझ गए ना, बाह्य दलपुंज जो फूल के ढक कर रखता है, उसके बाद दलपुंज यानी जो हम एक एक करके तुर के खुशबू लेते हैं,
जिसको पंखुड़िया कहते हैं। उसके बाद आ गया एंड्रोनोसियम, एंड्रोनोसियम मीन्स यही पुरुष वाला जो मूछ के आकार का ये संरचना दिया हुआ है ना, बड़े बड़े बाल की तरह, ये वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं पुमंग, समझ गए, ये मूछ की तरह संरचना जो दिया हो गया है उसको बोलेंगे पुमंग। और जयांग, ये जो घैला के तरह, घैला मतलब कलश, कलश के तरह ये संरचना दिख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, जयांग, ठीक है। अब निषेचन के समय क्या होता है, ये जो है इसमें जो फिलामेंट जो होते हैं, जो दानेदार छोटे छोटे सरसों का या मान लीजिए उससे भी महीन रामदाना के दाना के आकार का छोटा छोटा जो होता है, वो क्या करता है, इसी में आके गिर जाता है, तो जो है फूलों में प्रजनन होता है, फूल खिलता है, या फूल खिलने का और भी माध्यम है, ये तितलियों के द्वारा ज्यादातर एक दूसरे से टच करके, ठीक है, और इनका जो है निषेचन की क्रिया होती है, तो इसको बोलते हैं पुमंग और इसको बोलते हैं जयांग। पुमंग यानी पुरुष वाला भाग, ये मूछ वाला जो भाग है, मूछ के समान जो संरचना दिया है इसको पुरुष वाला भाग बोलेंगे, और ये जो है जयांग गाइनेशियम, ये हमारा कलसा के समान जो चित्र दिया हुआ है इसका जयांग कहेंगे, ठीक है। अब फूल से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसे फूल होते हैं जो रात में खिलते हैं, कुछ ऐसे फूल होते हैं जो रात में खिलते हैं वो सुगंधित होते हैं, और वो अधिकतर कौन किस कलर के होते हैं, व्हाइट, सफेद, जैसे रात रानी, ठीक है। अब इनका भी जो फर्टिलाइजर होता है, निषेचन होता है, ये भी चमगादड़ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो रात में उड़ते रहते हैं इनके द्वारा होता है, और जो मधुमक्खियां होती हैं इनका रस चूसती है। अब एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, कई हजार फूल का रस चूसकर मधुमक्खी आपका एक बूंद शहद का निर्माण करती है, तो सोचिए आप एक कटोरा रोटी, एक कटोरा शहद और रोटी खाते हैं, यानी आप कई हजार फूलों का रस अपने अंदर, ठीक है। तो जो रात में फूल खिलता है वो सफेद कलर का होता है और सुगंधित होता है, और जो दिन में फूल खिलता है वो अनेकों कलर का होता है, लाल, हरा, पीला, जैसे आप देखिए गेंदा का फूल अपने देहात में ही ना पाया जाता है, गेंदा, उसके बाद ये अरहुल का फूल हो गया, कनेल का फूल हो गया, ये सब फूल जो है दिन में खिलते हैं, ठीक है। कुछ टाइमली भी फूल खिलते हैं, जैसे चरबजी, आठबजिया, छोटे छोटे जो गुलाब की तरह होता है, ठीक है, यही फूल रात में खिलता है। वो रात में खिलने वाले फूल जो है काफी सुगंधित होते हैं, और दिन में खिलने वाले फूल जो है वो ज्यादा सुगंधित नहीं होते, बहुत कम ही मात्रा में सुगंधित होते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एंड्रोनोसियम और गाइनेशियम के टाइप्स, ठीक है, इनके कितने पार्ट्स होते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एंड्रोनोसियम के टाइप्स और गाइनेशियम के टाइप्स देखते हैं, ठीक है। एंड्रोनोसियम के तीन टाइप्स होते हैं, पहला फिलामेंट, दूसरा एंथर और तीसरा पेलोग्राम। फिलामेंट को हिंदी में पुंकेसर कहते हैं, ठीक है, एंथर को पराकण और पेलोग्राम को पराकण, दोनों का अर्थ सेम हो गया। अब देखिए इसमें जो है ये आपका जो यहां से यहां तक का जो संरचना है जो लंबा गया है मूछ की तरह, ठीक है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। जैसे विद्युत बल्ब देखे होंगे, विद्युत बल्ब में लंबा दो तार की तरह गया है और उसमें जो स्प्रिंग टाइप का जो है जुड़ा रहता है, तो लंबा जो तार की तरह गया है उसको बोलते हैं फिलामेंट। सपोज डेट देखिए ना, ये हमारा है, अब एक यहां से एक यहां से, यहां पे एक इसे इसे जुड़ा रहता है, ऐसे ना बल्ब होता है, ये दो को टर्मिनल बना दीजिए, तो ये जो तार है इसको बोलते हैं फिलामेंट,
फिलामेंट, विद्युत बल में इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसमें भरी जाती है कौन सी गैस? निष्क्रिय गैस। हम लोग फिजिक्स में चले गए, निष्क्रिय गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस। और ये फिलामेंट, ये जो टंगस्टन धातु का बना होता है, फिलामेंट विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक जो होता है 2500 डिग्री सेल्सियस टू 2700 डिग्री सेल्सियस ये होता है, ठीक है। तो ये जो फिलामेंट है, समझ गए ना, बस इसी को फिलामेंट कहते हैं। लंबा जो मूंछ की तरह गया है फिलामेंट कहते हैं। उसके बाद ये जो घेरा है मूंछ के बाद, ये घेरा दिखाई दे रहा है, ये घेरा है, इसको बोलते हैं एंथर। और इसके अंदर जो छोटे छोटे ये बिंदु के सरसों के दाने के प्रकार का छोटा छोटा दाना होता है, इसको बोलते हैं पाइलन ग्राम। समझ गए? ये है आपके पुमंग के टाइप्स, फिलामेंट, एंथर, पैनेनोग्राम। अब नेक्स्ट चलते हैं गाइनेशियम। गाइनेशियम के भी थ्री टाइप्स है, ओवरी, स्टाइल, एस्टिग्मा। ओवरी को अंडाशय, स्टाइल को वर्तिकाग्र, और एस्टिग्मा को वर्तिका, वर्तिका। अब देखिए इसमें जो है ओवरी को अंडाशय, यानी ये जो अंडा के समान संरचना दिया गया है नीचे, अरे कलश का पेनी जिसमें हम किसी भी लिक्विड को, द्रव को रख सकते हैं, इसको बोलते हैं ओवरी। समझ में आ गया? अंडाशय यानी अंडा के समान ये संरचना दिया, बस केवल गोल वाले भाग को। ये लंबा वाला जो कनखवा बीच वाला भाग जो है, इसको बोलेंगे स्टाइल यानी वर्तिकाग्र। और ये कनखा जो दिया है, कनखा, इसको बोलते हैं एस्टिग्मा यानी वर्तिका, ठीक है। ये बीच वाले भाग को स्टाइल बोलेंगे, और इसको बोलेंगे अंडा के समान जो संरचना दिया है, इसको क्या बोलेंगे? ओवरी, अंडाशय, ठीक है। अब क्या होता है निषेचन के समय, इसमें का जो दाना होता है योनि आकर के ऐसे 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 इसी में गिरता है, तभी निषेचन होता है। समझ गए? अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पुष्प के कितने चक्र होते हैं? चार चक्र। कौन कौन से? कैलिक्स, कोडला, एंडोनेशियम और गाइनेशियम। हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल पुंज, दल पुंज और जांग पुंग केसर, सॉरी पुमंग। अब एंडोनेशियम के कितने टाइप्स होते हैं? थ्री टाइप्स के। कौन कौन से? फिलामेंट, पुंकेसर, एंथर, परागकण, और पैनोनोग्राम यानी परागकण। यानी इसमें जो तीनों भाग हम फोटो के अनुसार दर्शा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गाइनेशियम के कितने टाइप्स होते हैं? तो थ्री टाइप्स होते हैं, ओवरी, अंडाशय, स्टाइल, वर्तिकाग्र, एस्टिग्मा, वर्तिका। थ्री टाइप्स हो गए। अब इसमें क्या है? ओवरी यानी अंडाशय, जो अंडे के समान संरचना है नीचे वाले भाग को, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र यानी ये जो अंडा से लेकर के और ये आपके एस्टिग्मा के बीच के जो डिस्टेंस है, जितना दूर होता है उसको बोलेंगे हम लोग स्टाइल। और एस्टिग्मा जो उसके कनखा होता है, बटुला, बटुली, कनखा या कलश का कनखा होता है, उसको हम लोग बोलेंगे एस्टिग्मा। इतना समझ गए? इसमें फिलामेंट जो लंबा मूंछ के समान होता है, ये पुरुष वाला भाग है ना एंडोनेशियम, पुमंग यानी पुरुष, अजयांग यानी स्त्री, पुंकेसर ये मूंछ वाले भाग को, पराकन ये गोलका जो है मूंछ के ऊपर गोलका चिपका हुआ है, और ये पैनोरोग्राम यानी गोलका के अंदर जो छोटे छोटे बिंदु समान के दाना दाना संरचना है, वो है हम पैनोरोग्राम। ये जो होता है निषेचन की क्रिया में यूं ही आ जाता है इसके अंदर। तो हम लोग फ्लावर जो है पूर्ण रूप से समझ गए किसका? नहीं, ये कैलिक्स और कोडला दोनों का टाइप्स नहीं होता है। कैलिक्स मतलब बाह्य दलपुंज जो कली को ढक कर रखता है, और कोरोला मीन्स उसकी पंखुड़ी, जो पंखुड़ी में सुगंध लेते हैं हम, जैसे गुलाब हो गया, अब गुलाब का पत्तियां एक फूल तोड़ कर उसमें से एक पंखुड़ी निकाले, खुशबू लेते हैं, बोलते कितना अच्छा खुशबू है। और जितने भी हम लोग परफ्यूम लगाते हैं ना, माला, सेंट, ये कौन सा कोबरा, पोग तोग जो भी आता है, ये सारे जो है फ्लावर्स के ही बनते हैं। उत्तर प्रदेश में फ्लावर की बहुत बड़ी बड़ी खेती होती है, और उसमें जो है इत्र जो बनते हैं ये सभी फ्लावर्स के ही बनते हैं, ठीक है। एंथर मींस परागकोश, जो लिखे होंगे उसको सही कर लीजिएगा, परागकोश। और पैनोरोग्राम मींस होता है पराग कण, कण मतलब छोटे छोटे कण, पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? अणु।
सबसे छोटे छोटे कण कौन कहते हैं? पेपर एक्ट। हमारा फ्लावर्स हुआ कंप्लीट, अब विदा लेते हैं। जय हिंद।